जो सादगी और जो अपनापन है वो सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। आप सब इतने सिंपल, इतने सादगी भरे, इतने प्यार देने वाले लोग हैं कि भारतीय सेना बार बार आपके बीच आती है और हम कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से आप सबको, हम आप सब से जुड़े रहें, क्योंकि हम सबको मिला के ही भारतीय सेना बनती है, हम सबको मिला के ही हमारा राष्ट्र बनता है, हम सबको मिला के ही हमारा भारत बनता है। इसी दिशा में जो हम संजीत तादी जी से भी रिक्वेस्ट कर रहे थे और भी बहुत सब लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया है, हम एक आउटरीच प्रोग्राम जिसमें हम किसी ना किसी तरीके से आप सब से जुड़ते रहेंगे वो हमने शुरू किया है। इसी सिलसिले में 1 और 2 तारीख को अभी लेबर डे और उससे अगले दिन यहां पे हाथीगढ़ में ही एक और कार्यक्रम एक के बाद एक होंगे, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो है वो मैं आप सबसे एक पर्सनल तरीके से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाइए। हर लड़का हर लड़की शिक्षित हो, हर लड़का हर लड़की काम करे, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे अभी यहां पे भी हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये ट्रेनिंग और हम अगले लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, जिसमें किसी ना किसी रंग की वर्दी हम हाथीगढ़ के बच्चों को पहनाना चाहते हैं, उसमें लड़का लड़की सभी शामिल हैं। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, जो मर्जी, बेशक आसाम पुलिस, सब किसी भी तरीके से आप खुद सोचिए कि अगर यहां के बच्चे पढ़ के इन सभी जगहों पे जाएंगे, वापस आएंगे, कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कितने अच्छे नागरिक बनेंगे। हर बच्चे में वो डिसिप्लिन होगा। ट्रेनिंग करवाएंगे हम, और उस ट्रेनिंग के आगे बच्चों की मेहनत ही सफलता उन्हें दिलाएगी। और यही नहीं, इसके अलावा भी आपके रिप्रेजेंटेटिव जो यहां पे हैं, बहुत ही पॉजिटिवली अलग अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमारे पास आते रहते हैं और हमसे मुलाकात होती रहती है, हमसे ही नहीं बहुत सारे लोगों से, और उसमें ये शामिल है कि किसी भी तरीके से माँ बहन भाई बाप हर किसी को कोई ना कोई रोजगार मिले और हाथीगढ़ के लोग समृद्ध हों। जिस तरीके से हमें अप्रोच किया जाता है संजीत भाई के द्वारा और बताया जाता है, इतना कंपैशन, इतना प्यार, इतनी सद्भावना आप सबके लिए लेके, आपकी सबकी तरफ से लेके वो हमारे पास आते हैं। और भारतीय सेना जो कि हम आप ही के जैसे किसी न किसी गांव, किसी न किसी शहर, किसी न किसी कस्बे से आए हैं, हम सब उतना ही पॉजिटिवली इस बात को लेके आप लोगों से कनेक्ट करने की अपनी कोशिश जारी रखेंगे। आप लोगों ने मुझे रोंगली बिहू के उत्सव में बुलाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो संस्कृति है इससे जुड़ने की हम हमेशा हमेशा कोशिश करते हैं और हमेशा हमेशा इंतजार करते हैं। किसी भी तरीके से, जिस तरीके से, जितने प्यार से अलग अलग ट्राइब, अलग अलग इलाके से आके, अलग अलग जनरेशन में, अलग अलग सालों में आप सब यहां बस गए हैं, इतने प्यार से आप आपस में सद्भावना से रहते हैं और उसी सद्भावना से आप हमें इज्जत देते हैं और उसी सद्भावना से हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। हम सब की तरफ से आपको रोंगली बिहू का बहुत 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 शुभेच्छा, बहुत 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 प्यार। भगवान आप सभी को हमेशा तंदुरुस्त रखे, खुश रखे और अपने राष्ट्र के निर्माण में आप सहायक हो, इसकी हम आप सभी से एक
रिक्वेस्ट करते हैं और आपसे अनुरोध के साथ साथ हम आपसे एक उम्मीद करते हैं। एक बार फिर मेरे साथ आप सब एक साथ बोलेंगे जय हिंद। इस बार आवाज आई जय हिंद जय हिंद। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज की सांस्कृतिक संध्या का उद्घोषण करता हूं। नमस्कार। कता जय हिंद।